अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये लीजिए सर। चलते जरा, काम है। का काम? कहाँ जा रहे हैं? घर की बड़ी बहू बनो, घर की जिम्मेदारियां उठाओ, कनक की देखभाल करो। हमारी मालकिन बनने की कोशिश भी मत करना। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब तुम्हारा पूछने का कोई हक नहीं है, आइंदा कभी पूछना भी नहीं, समझी? चलते। प्रिंट आउट? इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है। कहा था उस प्रिंट आउट में? उसमें कुछ नहीं, सादा कागज था। कहां समझ के रखा है हमको? बेवकूफ है हम? राजीव सादे कागज का प्रिंट आउट लेकर चला गया। सुनो, तुम्हारे यहाँ दिन ना ढल गए हैं, अब जाने का वक्त आ गया है यहाँ से। मैडम आप समझ नहीं रही हैं। तो समझाओ ना। वो क्या है ना मैडम, हम आपके सगे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा राजीव सर के सगे हैं, बड़े भाई। राजीव बिना अपने सगों को हमारा सगा बनाकर कहीं कुहिया को सगा बनाने तो नहीं चल दिया? कुहू, ये बात तुमने इतने सालों तक क्यों छुपा के रखी कि इतना हैंडसम पति है तुम्हारा? हाँ कुहू, वैसे बड़े स्मार्ट हैं कोयल के संजू बाबा, पर इतने स्मार्ट इंसान ने तुमसे शादी कैसे कर ली? हाँ सीरियसली, बड़ी अच्छी किस्मत पाई है तुमने। पहले राजीव नारायण चंदेल से शादी और फिर उसके बाद संजीव नारायण चंदेल, ऐसा क्या जादू किया है तुमने दोनों पे? गुमसुम रहती है लड़की, पर है बड़ी चालू। ये कुहू चंदेल परिवार के लड़कों को फंसाया, उनसे शादी भी की और एक से तो बच्चा भी है। वैसे कुहू कोयल किससे है, राजीव से या संजीव से? वैसे राजीव जी की दूसरी बीवी से मिली हो, बला की सुंदर है वो, एकदम अप्सरा। तुझे क्या उसके लिए छोड़ दिया? ओह सॉरी। वैसे राजीव जी ने तुझसे शादी क्या सोच के करी थी? कहाँ वो अप्सरा और कहाँ तुम? भाई कुछ टिप्स हमें भी देती जाओ, कैसे फंसा लेती हो तुम बड़े घर के अमीर लड़कों को। सब लोग हमको इतना ताना मार रहे हैं, इस समय अपनी कोयलिया को नहीं सहने देंगे। बुआ दादी अपना फोन दो ना। तुम्हारा फोन कहाँ है? वो उन्होंने ले लिया। मिश्री ने? आप अपना फोन दो ना। पर मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, पैसे डलवाने पड़ेंगे हंसनी से, तब जाके चालू होगा। कोई और से बात करनी है ना। इससे करती हूँ, अगर उन्होंने देख लिया तो वो पापा को बता देंगी। क्या हुआ कोयल को? एक हफ्ते की मेडिकल लीव, कल तो वो ठीक हो गई थी ना? तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा समय और लगेगा। ओके, मैं एक हफ्ते की लीव अप्रूव कर रही हूँ, उसका ख्याल रखना। राजीव जी? जी। प्लीज आप इस पे साइन कर दीजिए। ये क्या, कनक के लिए भी एक हफ्ते की लीव? क्या हुआ उसको? कनक की तबीयत खराब है, तो हफ्ते भर तक स्कूल नहीं आ पाएगी कनक। प्लीज। ओके, लीव अप्रूव। थैंक यू। क्या वेल, अब क्या शुरू हो गया तुम दोनों के बीच में?
दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसे उठाऊं? अम्मा को प्रॉमिस किया था, फोन नहीं करने का प्रॉमिस किया था, उठाने का थोड़ी ना किया था। ये मैसेज क्यों भेजा मुझे? मैसेज? हीरो अंकल ने मुझसे बात करने को मना किया। मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। लेकिन फोन तो तुम्हारा है ना? मेरा फोन ले लिया। ले लिया? किसने? वो हंसनी जी ने? हाँ, पापा बैड हो गए। वेरी बैड। ओ नो। हाँ कोयल, वेरी बैड। और तुम्हारे पापा वेरी गुड। मेरे पापा? कल मैं मिली उनसे। वो तो बहुत बैड हैं, एकदम बुरे। पर मैं तो उनसे कभी मिली नहीं, फिर तुम कैसे मिली? हाँ मैं मिली उनसे, तुम्हारे संजू बाबा से। वही है ना तुम्हारे पापा? उन्होंने हॉल में सबको बताया कि मैं कोयल का पापा हूँ। संजू बाबा? मेरे पापा? सॉरी। तुमको कैसे पता? बताना, संजू पापा मेरे पापा, तुमको कैसे मालूम? हेलो हेलो कना, हेलो कना, हेलो। संजू पापा मेरे पापा, कैसे? कनक को किसने बोला, किसने बताया? मैं फिर से फोन करके पूछती हूँ उसको। मना किया था ना फोन पे बात नहीं करनी, बच्चे ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करते हैं, फिर why? Sorry. आज के बाद फोन मत करना। इसको मना किए थे फिर भी छुप छुप के फोन पर बात कर रही है। कुछ नहीं किया, इनको कुछ नहीं मालूम, इनके पूरे करते हैं, इनको नहीं मालूम। हाँ रोते नहीं हैं, इस पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब घर के बड़े बुजुर्ग ही लापरवाह हो तो तुम्हारा क्या दोष? जाओ अपने कमरे में जाओ। हमारी ही गलती है, बच्चों के पहले घर के बुड्ढों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, फिर बच्चे खुद ब खुद सीख जाते हैं, आगे से ऐसा ही करेंगे। क्यों रे बुड्ढी, सही कह रहे हैं ना? अब देखिए 2 से नैना मिलाइके दंगल प्ले पर टीवी से पहले।